जाना चाहूंगा। आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी आपसे जाना चाहूंगा, दोस्तों आज मैं करबला चौराहा पर हूँ, आपको पहले दिखा दूँ। और ये हमारे बाहरी मित्र हैं, थोड़ा इलाहाबाद में ये भी रहते थे, अभी घर फिलहाल बाहर जॉब कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, अभी जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, मोदी जी खराब है, मोदी जी को वोट नहीं करना चाहिए, गठबंधन हो गया, अब सुधार आ जाएगा, क्या ऐसा लगता है, मोदी जी को वोट नहीं देंगे आप? भाई मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी का विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो आदमी ईमानदार है, नंबर एक का पैसा कमा रहा है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, वो मोदी जी को वोट देगा। वोट देगा सर, आप क्या जॉब करते हो सर? हमारा जो है प्राइवेट जॉब है भाई। प्राइवेट जॉब, क्या जॉब करते हैं? मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से। आपको भी नोटबंदी में काफी प्रॉब्लम रही होगी? हाँ, थोड़ी तो सभी को हुई थी। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये आपका जीएसटी लग गया, कई सी चीजें हैं तो हमारे कई सारे भाई बंधु हैं जो व्यापार करते हैं, जीएसटी से परेशान थे, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगे, वो लोग भी खुश हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है गठबंधन का असर पड़ेगा मोदी जी पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं लग रहा आपको? जो आज जिसका विवेक जागृत है, वो इस गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। अभी तो जैसे मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, एक मंथ से सारे हो गए, कुछ लोग कहते हैं एक मंथ से सारे करप्ट बोल रहे हैं, भाई विरोधियों का तो बोलना है काम है, वो कह रहे कि ये पूरी तरह से अभी चुनाव के पहले की भाषणबाजी की सब एक है। ठीक है, गठबंधन की सरकारों को हम लोगों ने पहले भी देखा है, छः छः महीने पर प्रधानमंत्री बदलेंगे, जैसे एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल लोग थे, कोई मतलब नहीं है। अभी रजत शर्मा जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ने कहा, उन्होंने तो डायरेक्ट अपने विरोधियों को, तो इन्होंने डायरेक्ट कहा कि जो चोर है, डायरेक्ट उन्होंने चोर सब का कहा कि जो चोर है, जो डर रहा है, वो एक मंच से हो रहा है, तो आप भी इस बात से सहमत? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सारे चोर इकट्ठे हुए हैं एक चौकीदार को हटाने के लिए। धन्यवाद सर आपका। आपका नाम बात कर आशुतोष श्रीवास्तव। धन्यवाद सर आपका।